महापौर को राजनैतिक द्वेषतापूर्ण तरीके से निलंबित करने पर भाजपा ने दिया ज्ञापन। रविवार देर रात्रि को अलोकतांत्रिक तरीके से ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर को निलंबित करने को लेकर मंगलवार को भाजपा जिलाध्यक्ष लादू लाल तेली के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। तेली ने बताया कि राज्य सरकार ने जिस तरह से महापौर को रात के अंधेरे में बिना किसी जांच, बिना किसी सबूत तथा बिना किसी नोटिस के निलंबित कर लोकतंत्र की हत्या की है, इसी के साथ तीन अन्य पार्षदों को भी निलंबित किया गया है जो स्वच्छ लोकतंत्र के लिए खतरा है। प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से भाजपा समर्थित जनप्रतिनिधियों को लगातार परेशान किया जा रहा है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी कड़े शब्दों में जिंदा करते हुए मांग करती है कि नगर निगम जयपुर की महापौर को पुनः बहाल किया जाए। ग्रेटर जयपुर नगर निगम की महापौर सौम्या जी गुर्जर को गहलोत सरकार ने जिस अलोकतांत्रिक तरीके से रात के अंधेरे में आधी रात को निलंबित किया है, उसी को लेकर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार आज जिला कलेक्टर महोदय को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है। हम मांग करना चाहते हैं कि सौम्या जी गुर्जर को तुरंत बहाल किया जाए और जिस तरह से प्रदेश के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई जनप्रतिनिधियों को भारतीय जनता पार्टी समर्थित संस्थाओं को जो भेदभाव किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है और उसी कड़ी में जयपुर की महापौर को निलंबित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करते हुए गहलोत सरकार को चेतावनी देना चाहती है कि यदि गहलोत सरकार का इस तरह का रवैया ये बंद नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजा देगा और कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब देगा। धन्यवाद। अरे गहलोत सरकार शर्म करो, गहलोत सरकार शर्म करो, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। सौम्या गुर्जर को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। आज के इस ज्ञापन के प्रोग्राम में हमारे बीच में उपस्थित भीलवाड़ा शहर के लोकप्रिय विधायक विठल शंकर जी अवस्थी साहब, पूर्व जिलाध्यक्ष दामोदर प्रसाद जी अग्रवाल साहब, जिला प्रमुख बरजी भाई जी, सभापति राकेश जी पाठक, जिला पदाधिकारीगण, मंडल अध्यक्षगण और सभी युवा नौजवान साथियों, माताओं बहनों, आज का ये कार्यक्रम आप सबको पता है कि राजस्थान की गहलोत सरकार ने रात के अंधेरे में भारतीय जनता पार्टी की निर्वाचित नगर निगम महापौर सौम्या गुर्जर को जिस तरह से बिना किसी आधार के, बिना किसी नियम के, बिना किसी सबूत के, बिना किसी नोटिस के रात के अंधेरे में आधी रात को हटाकर किसी लोकतंत्र का अपमान किया है, लोकतंत्र की हत्या की है और इसी को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार। पॉपुलर न्यूज ऐप से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन को दबाना न भूले, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।